बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास टीवी 7। एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। हमारी आज जो वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए जो थंबनेल है उसको कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी एप्लीकेशन का बताएंगे जिसका यूज़ कर आप बहुत ईजिली जो है कि कुछ ही मिनटों में अपनी मर्ज़ी का थंबनेल जो है बना सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब वीडियोज़ के लिए आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो उसका थंबनेल ही होता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप यार हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जो आज की वीडियो है। तो सबसे पहले हम अपना गूगल प्ले स्टोर जो है उसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आपने सर्च में लिखना है कि पिक आर्ट, आपने सर्च में लिख लेना है। ताकि ये हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो अभी हम यहाँ पर जो है कि सिंपली ओपन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जब हम ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा वेट करना होगा ताकि ये एप्लीकेशन जो है ये सारी जो है कि इसकी सेटिंग्स वगैरह ओपन हो जाए। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ओपन हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो प्लस का निशान वाला जो बटन बना हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है कि यहाँ पर जो है कि आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर जो है कि आपको जो है कि पिक कैनवस की ऑप्शन मिलेगी, आपने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके अलावा अभी मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर आपको जो है कि कलर बैकग्राउंड्स वगैरह भी मिलते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी आप थंबनेल बनाना चाहते हैं उसके बैकग्राउंड में अगर आप कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है कि कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है अगर आप करना चाहें तो। अभी हम जो है कि पिक कैनवस की जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है कि आपको जो है कि ऑप्शन मिलती है जो है कि आप इनमें से कोई भी जो एक साइज है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप इसको जो है कि थोड़ा सा जो है लेफ्ट तरफ करेंगे तो आगे जो है कि आपको लास्ट में जो है कि यहाँ पर कस्टम की ऑप्शन मिलती है, तो आपने इसको ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। जब आप इसको ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो जो यूट्यूब की थंबनेल का जो साइज़ होता है कि 1280 और 720 जो है, अभी यहाँ पर जो है कि हम जो है कि 1280 और जो है कि इसकी जो हाइट होती है वो 720 होती है, तो अभी हमने यहाँ पर वो ऐड कर दिया। उसके बाद आपने सिंपली जो है कि ओके के ऊपर क्लिक कर देनी है। तो जैसे कभी हमारा जो कस्टम वाली ऑप्शन के ऊपर जाकर आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद जो है कि सिंपली आपने ऊपर जो है कि ये एरो का निशान जो है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अगेन एक बार आपने उसी एरो के ऊपर जो है क्लिक कर देनी है। जब उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है कि आपको देख सकते हैं कि आपको एडिट इमेज की ऑप्शन मिलती है, आपने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है कि आपके पास जो है कि एक न्यू जो है कि वो पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि ये आपके पास जो है कि थंबनेल का जो साइज़ है वो आ चुका है, और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जो है कि अगर अभी जो है कि जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगर आप इसमें कोई आप कलर लगाना चाहें तो वो आप कलर भी लगा सकते हैं। अगर आपको पिक्चर्स अगर ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे भी सिंपली जो है कि हम यहाँ पर जो है कि एक कलर ऐड करके पिक्चर ऐड करके भी आपको दिखा देते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर जो कि ऐड फोटो की ऑप्शन के ऊपर क्लिक की, उसके बाद जो है कि यहाँ से हम जो है कि ऑलरेडी हमने ये कलर डाउनलोड किए हुए हैं। आप भी जो है कि गूगल में जो है कि आप जो है कि जो अपनी मर्ज़ी के कलर आप जस्ट गूगल में कलर लिखें, उसके बाद जो है कि यहाँ पर नीचे सारे कलर्स वगैरह ओपन हो जाएंगे, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर आप डाउनलोड करना चाहें तो उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी सिंपली जो है कि हम जो वहाँ से एक येलो कलर हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो है कि हम ऐड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे कभी ये हमारे पास आ चुका है तो अभी हम जो है कि इसको फुल स्क्रीन पर कर देते हैं, और उसके बाद ये जो ऊपर जो है कि ये गुड की जो ऑप्शन है हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो अब जैसा कि ये हमारे पास जो है कि इसका जो सारा बैकग्राउंड है अभी येलो हो चुका है, तो आप यहाँ से पे आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो अभी जो है कि अगर आप यहाँ पर जो है कोई पिक्चर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आपने सिंपली ऐसे ही ऐड करने हैं। जैसे भी हमने कलर ऐड किया तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई पिक्चर यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं। तो अभी जो है कि हम आपको जो है बना के भी दिखा देते हैं कि थंबनेल आप कैसे बनाएं। तो आप इसमें जो भी लिखना चाहें उसके लिए आपने जो टेक्स्ट वाली ऑप्शन आ रही है आपने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है। अभी हमने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दी तो हमारे पास जो है कि जो अपने सेलफोन का जो कीबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। तो अभी यहाँ पर जो है कि जो भी आपका टॉपिक है आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। जैसे कि हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू मेक थंबनेल फॉर YouTube। तो अभी ये जैसे कि अभी हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमने यहाँ पर जो कि इंटर कर दिया है। उसके बाद सिंपली आपने जो कि ऊपर जो है राइट साइड के ऊपर जो गुड़ की निशान बनी हुई है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये लिखा हुआ आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं कोई इतना को अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो यहाँ से भी आप क्या है कि ये पहली वाली ऑप्शन आपको मिलती है, यहाँ पर जो है कि सबसे पहले आपको फॉन्ट की ऑप्शन मिलती है। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी कोई भी फॉन्ट जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक किया तो अभी आप ये ऊपर से आप देख सकते हैं कि अगर आप स्टाइलिश लिखना चाहें तो आप इसमें जो है कि स्टाइलिश भी लिख सकते हैं। अभी आप इसको जो कि बड़ा करना चाहें या किसी भी लेफ्ट राइट में साइड में करना चाहें तो आपने सिंपली जो है कि इसके ऊपर क्लिक करके इसको जो है कि जितना मर्जी आप लेके जा सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर जो है कि हम इसको जो है कि थोड़ा सा आपको जूम करके बड़ा करके दिखा देते हैं।
तो अभी जो है कि आप ये देख सकते हैं कि आप जो हमारा जो येलो बैकग्राउंड है उसको प्रोवाइड भी उतना सपोर्ट नहीं कर रहा। उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो कलर की ऑप्शन आ रही है आपने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे भी हम फॉर एग्जांपल जो है कि यहाँ से जो है कि ये रेड कलर जो है ये सेट कर लिया, उसके बाद जो है कि यहाँ पर आगे आपको जो है कि स्ट्रोक की ऑप्शन मिलती है, इसके बाद जो है आपने स्ट्रोक के ऊपर क्लिक कर लेनी है और यहाँ से जो है कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर जो है वो दे सकते हैं। जैसे भी ये ब्लैक है तो आप इसको जितना ज़्यादा करना चाहिए इसको भी ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इनमें से कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे भी हम यहाँ पर सिंपली जो है कि वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं, वाइट सेलेक्ट करने के बाद अभी हम थोड़ा सा इसको जो है और आगे कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी जो है कि इसकी जो लुकिंग है थोड़ी अच्छी हो गई है। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है कि यहाँ पर जो है कि जो भी आप जो है कि लिखना चाहें इसमें, आपका टॉपिक जो भी रिलेटेड आपकी वीडियो हो उससे रिलेटेड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से जो भी फॉन्ट भी आप लिखना देना चाहें वो आप दे सकते हैं। जैसे कभी जो है कि यहाँ पर डिफरेंट फॉन्ट है, आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी जो है कि फॉन्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये देख सकते हैं कि ये जो है कि ज़्यादा स्टाइलिश है, अगर आप ये मतलब जो है कि स्टाइलिश थंबनेल बनाना चाहिए वो भी आप बना सकते हैं, और अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल थंबनेल बनाना चाहते हैं तो वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी आप इनमें से कोई भी बना सकते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पर जो है कि आपने जो है हमने लिख दिया ये, उसके बाद जो है कि हम फॉन्ट जो है कि यहाँ पर भी सिंपली जो है कि फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी जो फॉन्ट यहाँ पर जो है कि हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे अभी यहाँ पर ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और उसके बाद जो है कि अभी हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये लुकिंग में थोड़ा ठीक हो जाए। तो ऐसे आपने जो है कि जैसे भी ये देख सकते हैं हमने लिख दिया इसमें। अगर आप इसमें कोई फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें कोई आप पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मुमन होता है कि थंबनेल्स की एक साइड में जो है कि स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिए होते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली जो है कि अभी ये आप इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, जितना भी आप रखना चाहें इसको रख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जो है कि अभी जो है हमने इसको थोड़ा छोटा कर दिया। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है कि ऐड ए फोटो के ऊपर क्लिक कर देनी है। यहाँ पर जो है कि आपको ऑप्शन मिलती है ऐड फोटो की, आपने ऐड फोटो के ऊपर गेन क्लिक कर देनी है, और जो आज का हमारा थंबनेल है अभी हम उसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने गेन ऐड के ऊपर क्लिक कर देनी है। तो जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो है कि ये ओपन हो चुका है। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर जो है कि कोई भी जो है कि आप पिक्चर अपनी लगाना चाहें, या फिर जो है कि आपके टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई पिक्चर हो तो अगर आप वो लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि आप जो है अपनी मर्ज़ी से इसके फॉन्ट्स कलर वगैरह और स्ट्रोक वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी पिक्चर को एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली जो है कि ये क्रॉप की जो ऑप्शन बनी हुई है, जब आप पिक्चर ऐड करेंगे तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देनी है। उसके बाद जो है कि अगर आप इसको क्रॉप करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है कि इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है अगर आप इसको करना चाहें तो। अभी ऐसा कि देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ पर जो है कि पिक्चर लगा के भी दिखा दिया है कि आप इसमें कैसे पिक्चर कोई भी पिक्चर जो है ऐड कर देते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें जो है कि अगर और भी कुछ आप लिखना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर नीचे पर लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और अपनी मर्ज़ी का आप बैकग्राउंड कलर वगैरह भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि बहुत इजीली जो है कि आप जो है कि कोई भी थंबनेल जो है वो बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, होप करते हैं कि आपको जो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ के तो हम आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।